गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली क्लॉज के बारे में देखेंगे। अब ये फाइनली क्लॉज क्या होता है और क्यों यूजफुल है। जब आप लोग किसी भी कोड को ट्राई करते हो, अगर एरर आया तो वो कैच के अंदर जाता है, अगर एरर नहीं आया तो ट्राई वाला ब्लॉक रन होता है और कैच इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग एक और एडिशनल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है फाइनली, और वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका एरर आया या नहीं आया। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं कि क्यों हम लोग फाइनली क्लॉज को यूज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली के बारे में कि ट्राई कैच तो हमने देखा था, फाइनली किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस अभी तक नहीं करी है तो उसको ज़रूर से एक्सेस करना, उतनी देर में मैं रैपल बना लेता हूँ। और हमारा वीडियो नंबर 62 होने वाला है ये, तो मैंने आपको ट्राई कैच के बारे में बताया, एरर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, अब थोड़ा बहुत हम लोग फाइनली के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनली क्या नई चीज़ है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, एज ऑलवेज मैं यहाँ पर HTML, CSS, JavaScript की रैपल बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा 62_finally और क्रिएट रैपल पर क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद मैं आप लोगों को नोट्स में जो लिखा हुआ है वो जल्दी से बता देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है फाइनली के बारे में कि जो फाइनली होता है, द ट्राई कैच कंस्ट्रक्ट में हैव वन और मोर कोड क्लॉज फाइनली। ठीक है, क्या हो सकता है? वन और मोर कोड क्लॉज जो कि फाइनली है, आप ट्राई कैच के साथ साथ फाइनली भी लगा सकते हो। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये हमेशा रन करेगा। तो चलो यार, इसको एक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं लिखूँगा ट्राई, और एक काम करते हैं, एक लेट ए इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। मतलब ये कोड कुछ भी नहीं कर रहा है, लिटरली सिर्फ एक वेरिएबल बना रहा है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैच ERR, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ console.log This is an error, मान लो मैंने लिखा। ठीक है, और एक काम करते हैं यार, यहाँ पर console.log program ran successfully लिख देते हैं, क्योंकि कुछ फील होना चाहिए ना कि यार कुछ तो हो रहा है प्रोग्राम में, वरना कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चलेगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखो, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली लिख कर आ गया, नो सरप्राइज इज देयर, क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एरर डाल दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ टी, और मान लो लिख दूँ t_is=9_ और +0 कर दूँ, और मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूँ, तो जाहिर सी बात तो ये है कि ये यहाँ पर एक एरर आएगा। और यहाँ पर ये कह रहा है न्यूमेरिक सेपरेटर्स नॉट अलाउड, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली console.log, एक बहुत ही सिंपल सा एरर लिखता हूँ, और यहाँ पर प्रोग्राम लिख देता हूँ ताकि ये मुझे एक एरर दे, रेफरेंस एरर, और बोले कि प्रोग्राम जो है आपका कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज एन एरर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल थी, ये जो प्रोग्राम था, ये सक्सेसफुली रन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर फाइनली लगा दूँ, ठीक है, और फाइनली के बाद console.log लिख दूँ और लिखूँ I am a good boy, तो ये हमेशा चलेगा। एरर आएगा तब भी चलेगा, और एरर नहीं आएगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर console.log प्रोग्राम को, जो कि एरर प्रोड्यूस करने वाली लाइन थी, उसको यहाँ से हटा भी दूँ अगर console.log प्रोग्राम को, तो क्या होगा? तब भी ये फाइनली रन होगा। लेकिन आप लोग का एक इमीडिएट सवाल ये आएगा, जो कि मेरा भी आया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था, और मेरा सवाल ये आया था कि यार हम फाइनली क्यों लगा रहे हैं? मतलब ट्राई कैच के बाद अगर मैं बिना फाइनली के भी लिख दूँ console.log आई एम अ गुड बॉय, तब भी तो वो चलना ही है, क्योंकि हमने एरर तो कैच कर लिया है। ठीक है, एक सिनेरियो आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मान लो कि कैच एक एरर थ्रो कर रहा है, मान लो मैं यहाँ पर console.log और p लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि है ही नहीं एक वेरिएबल, रिलोड करूँगा, सेव नहीं हुआ, रिलोड करूँगा, एक्चुअली प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है, तो मैं यहाँ एरर प्रोड्यूस करूँगा ताकि ये कैच के अंदर जाए और यहाँ पर भी एरर आ जाए। तो कैच के अंदर भी एरर आ रहा है, ठीक है, तो जब कैच के अंदर भी एरर आता है तब आपका फाइनली रन हो रहा है। देख रहे हो, आई एम अ गुड बॉय रन हो रहा है, आपने कैच के अंदर भी एरर आ गया आपके, मतलब आपने कोई प्रोग्राम रन करने की कोशिश करी, उसमें एरर आया, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आपने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगा रखा था। अब आपने क्या करा, अब आप कह रहे हो कि मैंने कैच कर लिया एरर, अब आप जब कैच के अंदर जाते हो तो वहाँ भी एक एरर है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए था, आइडियली आपको कैच के अंदर रीथ्रो करना चाहिए था एरर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया कि console.log p कर दिया, कैच के अंदर भी आपने एरर कर दिया, कुछ ऐसा हुआ कि एरर आ गया कैच के अंदर भी, या तो इसको भी एक दूसरे ट्राई के अंदर रैप करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया। तो जब भी ट्राई और कैच में से कुछ भी रन हो रहा है तब फाइनली ज़रूर रन होगा। अगर मैं यहाँ पर फाइनली नहीं लिखता, अगर मैं कुछ ऐसे कर देता, आपको दिखाता हूँ मैं,
अगर मैं कुछ ऐसे कर देता और इसको चलाता तो आई एम अ गुड बॉय नहीं आता। देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है। ये ERR है, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है, एक्चुअली सेव नहीं हुआ था ये। अब देखो यहाँ पर दिस इज़ एन एरर आ गया और आई एम अ गुड बॉय नहीं आया। आप देख रहे हो आई एम अ गुड बॉय नहीं आया, लेकिन अगर मैं फाइनली लगा दूंगा तो आई एम अ गुड बॉय आएगा। तो फाइनली ये गारंटी करता है कि आपका जो कोड है वो हमेशा रन होगा, चाहे आपका ट्राई में फंसे कोड, चाहे कैच में फंसे, चाहे ट्राई में जो है चल पड़े, या फिर कैच के अंदर जो कोड था वो सक्सेसफुली चल जाए। फाइनली को चलना ही चलना है। फाइनली हम करते हैं फाइनल क्लीन अप करने के लिए, अगर हमें क्लीन अप वगैरह करना है तो हम फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और सिनेरियो आप लोग को दिखाता हूँ। मान लो ये पूरी चीज़ फंक्शन के अंदर होती। सबसे पहले, इससे पहले मैं ये जो बता रहा हूँ वो बताऊँ, आप सब लोग नीचे कमेंट में लिख दो कि भाई फाइनली समझ में आ गया, मतलब इतना तो समझ में आ गया ना फाइनली क्या होता है। फाइनली हम लोग फाइनल क्लीन अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फाइनली के अंदर कुछ इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, क्लोज द फाइल, ठीक है, या फिर एग्जिट दी, मान लो हमने कोई एक कुछ भी एक हमने खोला हुआ है, एग्जिट दी लूप, अगर हम लोग लूप के अंदर हैं तो हम लूप को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर राइट टू दी लॉग फाइल कर सकते हैं, हम लॉग फाइल में राइट कर सकते हैं, अगर हमारा ट्राई चला, कैच चला, यहाँ तक जो भी हो गया वो एक लॉग फाइल में राइट कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह के काम कर सकते हैं। यूजुअली हम फाइनल क्लीन अप्स करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी को एक एफ नाम के फंक्शन में डाल दूँ और मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, मैं चाहता तो नॉर्मल फंक्शन भी बना सकता था, बट ठीक है, बात वही है। और इसको ज़रा नीचे ले आते हैं, और इसको नीचे लाने के बाद मैं इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करके, और यहाँ आप ठीक लग रहा है थोड़ा। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा एफ़ को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये रन हो जाएगा सिंपल से। आप कहोगे यार ये क्या क्या कर गया रहे हो, मतलब फंक्शन बना के क्यों कॉल कर रहे हो, उसको ऐसे ही चला लिया होता ना कोडा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। ट्राई के अंदर गया, ट्राई के अंदर एरर आएगा, ठीक है। अब मान लो कि ट्राई के अंदर एरर नहीं आता और मैं यहीं पर रिटर्न कर देता, यानी कि ट्राई के अंदर हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो गया, लेट इज इक्वल टू ज़ीरो चला, कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम रन सक्सेसफुली चला, एंड फाइनली आपका यहाँ पर ये रिटर्न हो गया, तो क्या ये चलेगा? शायद अगर आप लोग को फाइनली के बारे में नहीं पता तो आपको यार नहीं चलेगा यार, यहाँ पर तो रिटर्न हो गया है, लेकिन ये देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और आई एम अ गुड बॉय, ये चला। तो अगर आपने ट्राई के अंदर रिटर्न भी कर दिया ना तब भी चलेगा, समझ रहे हो? तो फाइनली का काम होता है कि भाई मुझे चलना ही चलना है, चाहे तुम ट्राई को आधा चला लो, चाहे कैच को आधा चला लो, चाहे ट्राई को पूरा चला लो, चाहे कैच को पूरा चला लो, फाइनली का मतलब कि भाई मैं जिद पे अड़ चुका हूँ और मैं चलूँगा ही चलूँगा। तो कभी भी आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको करना ही करना है, जैसे फाइल को क्लोज करना ही करना है, लॉग फाइल में राइट करना ही करना है, या मान लो आपको एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करना ही करना है कि भाई क्या स्टेटस है प्रोग्राम का, तो फाइनली के अंदर आप लोग डाल दोगे कि चाहे ट्राई आधा या फिर पूरा रन हो, चाहे कैच आधा या फिर पूरा रन हो, फाइनली भाई चलेगा ही चलेगा। तो फाइनली का सिंपली ये काम है। अब आ जाओ नोट्स में, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। द ट्राई कैच कंस्ट्रक्ट में हैव वन और मोर कोड क्लॉज फाइनली, इफ इट एग्जिस्ट इट रन इन ऑल केसेस, यानी कि ऑल केसेस, सारे केसेस में रन करेगा। आफ्टर ट्राई इफ देयर वर नो एरर्स, आफ्टर कैच इफ देयर वर नो एरर्स, इफ देयर इज अ रिटर्न इन ट्राई, फाइनली इज एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द कंट्रोल रिटर्न्स टू द आउटर कोड। यानी कि अगर यहाँ पर एफ के बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड भी लिखता हूँ तो एंड से पहले चल जाएगा, यानी कि जैसे ही रिटर्न होने वाला होगा फंक्शन उससे पहले, जस्ट पहले चल जाएगा ये। तो ये भी देख लो आप, जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखो आई एम अ गुड बॉय के बाद एंड आया। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम के बाद चलेगा, यानी ये नहीं कि पहले एंड आएगा फिर ये आएगा, ये रिटर्न होने के जस्ट पहले यहाँ पर आपका चल जाएगा फाइनली। यही बात लिखी हुई है, देयर इज अ रिटर्न इन ट्राई, फाइनली इज एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द कंट्रोल रिटर्न्स टू द आउटर कोड। तो आई होप कि यार ये चैप्टर में आप लोग को मज़ा आया, क्योंकि ये चैप्टर अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को मज़ा आया तो यार नीचे कमेंट में सब लोग लिखो कि यार मज़ा आया, और ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स का लिंक जो है एक्सेस कर सकते हो, पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों को, सॉरी पूरी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। और स्क्रिप्ट्स वगैरह तो हैं ही यार, यहाँ पर रैपल बना रखी है मैंने रैपलेट में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही गाइस, प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना या क्लिक करके बुकमार्क करना या क्लिक करके सेव करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।